हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बजाज फाइनेंस के बारे में। और बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो वास्तव में गिरने से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि बजाज फाइनेंस के शेयर की आज फिर धुलाई हुई, और धुलाई क्यों हो रही है और कितना गिरेगा इसको जानने से पहले आपको बजाज फाइनेंस के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि बजाज फाइनेंस किस तरीके का बिजनेस करता है। तो देखिएगा, बजाज जो फाइनेंस है वो बजाज ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है, और वास्तव में इस कंपनी ने जो है इसके शेयरहोल्डर्स को एक मल्टीबैगर्स जो रिटर्न्स हैं वो पास्ट में दी है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इन शेयर्स उनके लिए जो एक फैंसी स्टॉक जो है साबित हुआ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में नवंबर से अगर हम बात करें तो ये जो शेयर है ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और जो भी इसकी जो ग्लोरी थी वो उसको खोता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे के कुछ रीजंस जो हैं हमें नजर आ रहे हैं, और वो रीजंस हैं वो वास्तव में आज के जो करंट एनवायरनमेंट है उसी को जो है शायद डिस्काउंट कर रहे हैं, और उसी वजह से ये जो शेयर है ये टूट रहा है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके ये सवाल होते हैं कि क्या सर ये भी और टूटेगा? तो देखिएगा, ये कितना और गिरेगा इसके बारे में अंदाजा लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर अभी भी इसकी बात करेंगे अब वैल्यूएशंस की, तो ये वैल्यूएशंस वाइज अभी भी जो है एक प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है इतनी गिरावट के बावजूद भी। अगर आप इसके पिछले 10 साल के बिजनेसेस में भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिएगा इस बिजनेस के अंदर इसने जो प्रॉफिट की ग्रोथ की है पिछले 10 साल के दौरान वो 60% की है। अगर आप प्रॉफिट बिजनेस के शेयर प्राइस में देखेंगे तो 53% ही है, यानी कि प्रॉफिट कहीं ज़्यादा बढ़ा है। अगर 5 साल में भी देखेंगे तो 40% और 5 ईयर्स के हिसाब से सेम एडजस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है अबाउट 20% है बिजनेस के अंदर। तो सारे पैरामीटर्स पर अगर आप इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है इसने पास्ट के अंदर दी है। और अगर यहीं पर अगर हम बात करें इसके चार्ट के दौरान कि किस पीई रेशियो के अंदर जो है अक्सर ट्रेड करता हुआ नजर आया है, तो जनरली ये 2011-12 के दौरान 2011-12 के दौरान ये जो शेयर है ये यहाँ पर देखिएगा तो 10 से 15 तक की जो है पीई रेशियोज के बीच में ट्रेड करता था। ये 12 से लेके और ये 13-14 तक के जो पीरियड्स थे यहाँ पे, तो ये वास्तव में वो पीरियड भी था जहाँ पे जनरली इकोनॉमीज जो थी वो स्लो डाउन हो रही थी। और अभी भी ये जो शेयर के जो प्राइजेस अगर आज यहाँ ऊपर की ऊपर से बात करें अभी तो ये करेक्शन के बाद भी जो शेयर है अभी भी 25 से ऊपर की पी यानी कि 25 से ऊपर की पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसने 70 और 80 तक की पी रेशोज भी जो है एंजॉय की हैं पास्ट के अंदर। तो ये जो शेयर है ये अभी भी जो है वैल्यूएशंस वाइज अगर आप देखेंगे तो ये अभी ऊपर के प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आपको नजर आता हुआ आ रहा है। और अगर हम इस बजाज फाइनेंस की बात अगर हम करें तो सिंपल सी बात यह कि जो बजाज फाइनेंस का जो शेयर है अगर हम इसके एक साल के भी अगर हम चार्ट देखें तो ये एक साल पहले 3,000 रुपये के जो शेयर प्राइजेस थे वहाँ पर रहता था, और अभी ये जो शेयर प्राइजेस हैं ये 2,200 रुपये के आसपास जो है आ गए हैं। अब ये गिरावट क्यों जारी है ये जो है मैं आपके साथ शुरुआत करूँगा, और कहाँ पर इसको एकोमुलेट करने के मौके मिलेंगे वो भी मैं आपसे जो है बात करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उन सभी टेक्निकल्स या क्रॉसओवर्स के ऊपर बात करेंगे तो सभी जो है बेरिश जो है वो दिखा रहे हैं कि बेरिश जो है परफॉर्मेंस अभी शायद शॉर्ट टर्म के अंदर और रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अभी भी जो है इसका जो पैटर्न है वो बुलिश बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो अभी भी इसके जो मेजर लेवल्स हैं स्पोर्ट्स के अभी उनको इसने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनको भी टेस्ट करता हुआ ये नजर आए। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि इसके बिजनेस के अंदर क्यों गिरावट आएगी या क्यों आने की संभावना है। देखिएगा, सबसे पहले इसके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से आपको ये बात पता चलेगी कि जहां पर 2015 में ये 5,119 का रेवेन्यू जनरेट करते थे, अब ये जो रेवेन्यूज है वहां पर 3.5 times यानी उसे 3.5 गुना जो रेवेन्यूज है ये जनरेट कर पा रहे हैं। तो 3.5 गुना जो रेवेन्यूज है वो जनरेट किया, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है इन्होंने 4 times से भी ज्यादा इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया। तो जो रेवेन्यू क्लॉक किया उसके मुकाबले में जो प्रॉफिट है वो कहीं और ज्यादा लगे। अब जो प्रॉब्लम्स है वो कहां से आ रही है इस पूरे बिजनेस के अंदर,
वो यहाँ पर जो है चिंता का विषय बना हुआ है। तो देखिएगा ये जो शेयर्स है ये अभी भी जो है प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, और उसका रीजन ये था कि अबव 40% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये शेयर रिपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसको इतनी हाई पी रेशियोज या इतने हाई प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उनके ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। अगर आप इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करेंगे या इन सभी पैरामीटर्स पर अगर आप बात करेंगे तो भी अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो भी 300 रुपए के आसपास इसकी बुक वैल्यू है, लेकिन शेयर अभी भी 2200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? रीजन इज वेरी सिंपल क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कैटेगरी के अंदर माना जा रहा था, अपने पूरे सेगमेंट के अंदर अपने जितने पीयर्स हैं शायद इससे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कोई भी कंपनी एनबीएफसी स्पेस में आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि देखिएगा जैसे ही कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हुई है, इकोनॉमी स्लो डाउन जो है होने की संभावना जो है व्यक्त की जा रही है, तो सबसे पहली बात है कि वो जो इकोनॉमी स्लो डाउन होगी उसके अंदर सबसे मेन चीज क्या होगी कि जो एग्रेसिव बाइंग थी या जो एक्सपेंशंस थे उनके ऊपर जो है हमें रुकावट जो है नजर आ रही है। मान लीजिएगा कोई लोग विदेश घूमने जा रहे थे तो वो घूमना फिरना थोड़ा कम होगा। उसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज में घर बनाने के लिए लोन ले रहे थे तो उस तरीके की एक्टिविटी कम होगी, गाड़ियों के जो लोन है वो कम होंगे, इसी तरीके से जो पर्सनल लोन है तो लोग पर्सनल स्पेंडिंग जो है थोड़ी कम करेंगे। तो इस वजह से इस जो 40% से ऊपर की जो एनुअल ग्रोथ जो कर रहा था बिजनेस तो उसकी ग्रोथ के ऊपर डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो ग्रोथ के ऊपर डेंट पड़ता है किसी भी बिजनेस में तो ध्यान रखिएगा उस बिजनेस की वैल्यूएशंस चेंज होती हुई नजर आती हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब हम किसी कंपनी की केई निकालते हैं यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जितने परसेंट ग्रोथ होती है उतनी तो वो रिटर्न्स जो है डिलीवर करता ही करता है। तो यही रीजन है कि ये जो सारे बड़े इन्वेस्टर्स थे, फैंसी इन्वेस्टर्स थे, उनके पोर्टफोलियो में ये जो शेयर्स हुआ करते थे। अगर मैं टीवी चैनल्स भी अगर कभी देखता था तो मैं देखता हूँ कि जो बसंत महेश्वरी जी थे वो इस शेयर्स के जो है अपने पोर्टफोलियो में रखने की बात बोलते थे, और उनका जो है ये काफ़ी फैंसी स्टॉक होता था। बहुत सारे जो बड़े FIs हैं यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लाइमलाइट के अंदर ये शेयर्स रहता था ड्यू टू द ग्रोथ। तीसरी बात यह थी कि इसके बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है एक वेल नोन मैनेजमेंट है, वेल नोन ग्रुप है, जिसकी वजह से भी इनको पी वैल्यूएशन ऊपर के जो है मिलते थे। तो अब ये ऐसा क्या बदल गया यहाँ पे? देखिए मैनेजमेंट तो सेम रहेगी, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहली बात है कि जो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस है उसके ऊपर जो है मार्केट को डाउट हो रहा है कि जो ग्रोथ ये पास्ट में मैनेज कर पा रहे थे क्या वो ग्रोथ आगे भी ये कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्रोथ है उसके अंदर एक सब्सटेंशियल डिक्रीज होगा जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशंस एडजस्ट की जा रही हैं। अभी जिन प्राइसेस पर ये ट्रेड कर रहे हैं तो इन प्राइसेस के ऊपर भी मार्केट यहां पर एंटिसिपेट कर रही है कि बिजनेस अभी भी 20-25% की रेट से ग्रो करेगा। अगर ये ग्रोथ और कम निकलती है तो शेयर के प्राइस में और करेक्शंस भी आ सकती हैं, इस बात से जो है मना नहीं कर सकते। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि देखिएगा फाइनेंस बिजनेस में जो पैसा आपने उधार दिया हुआ है और जो पैसा आपने उधार लिया हुआ है तो उधार लिए हुए पैसे के मुकाबले में अगर आपको 6 गुना मार्केट वैल्यू दे रही है कि भाई साहब आपकी जो असेट्स है बैलेंस शीट के अंदर वो मान लीजिएगा 250 रुपए की और हम आपको शेयर का प्राइस 2500 रुपए दे रहे हैं या 2250 दे रहे हैं, तो 8-9 गुना जो है प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं मिलती है जब इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है जहां पर कि आपको ग्रोथ के ऊपर कंसर्न नजर आ रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इसमें करेक्शन हो रही है। दूसरी जो करेक्शन का जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताता हूं, वो है बैड लोन्स, क्योंकि ये जो बिजनेस है इनका ये अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी के अंदर आता है, और अनसिक्योर्ड लोन होने की वजह से इस बिजनेस के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि अगर इस तरीके से जो लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो होगी और हो सकता है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज की जो कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं वो अपने बिजनेस को कर्टेल करें या वहां पर एक नई फंडिंग ना लाएं तो वहां पर भी बिजनेस में स्लो डाउन की संभावना जो है लगाई जा रही है। और जो सैलरीड क्लास लोगों को या जो प्रोफेशनल्स को जो लोन देते थे अगर उनके बिजनेस में किसी तरीके की मंदी आएगी तो हो सकता है कि इनको जो पेमेंट की रिकवरी करने में भी जो है प्रॉब्लम आए और जिसकी वजह से इनको अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सही समय पर ना कलेक्ट हो या उसकी रीशेड्यूलिंग करनी पड़े इनको, तो उस वजह के जो रिस्क हैं तो यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या जो बैड लोन्स के जो रिस्क हैं
वो भी मार्केट एंटिसिपेट कर रही है, जिसकी वजह से आज इसके शेयर प्राइस में दोबारा से 10% की जो है करेक्शन हुई। मार्केट में बाकी जगह तेजी होने के बावजूद भी जो है इस शेयर के अंदर तेजी पिछले दिनों में भी नहीं आई। जब मार्केट अच्छा कर रही थी तब भी इसने नहीं किया, और आज मार्केट जो है नेगेटिव नोट के साथ बंद हुई तो ये शेयर जो है डीपली जो है नेगेटिव होता हुआ नजर आया। तो अभी यहां पर इस जो पूरा एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अंदर जो है अभी हो सकता है कि इसको अभी और जो है झटके झेलने पड़े, तो हो सकता है कि अभी नीचे के प्राइजेस अभी और भी हमें शायद देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि 1500-1600 रुपए तक के जो प्राइजेस हैं वो भी आने वाले जो है पीरियड्स के अंदर हमें नजर आ सकते हैं। हालांकि इंडेक्स का जो शेयर्स है तो इंडेक्स मैनेजमेंट जो है होती रहेगी। तो यहां पर मैंने वो रीजंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जिस तरीके का फ्यूचर में एनवायरमेंट दिख रहा है उसको डिस्काउंट करते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये पसंद नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से इस शेयर्स में करेक्शन हो रही है। जबकि पास्ट में इसने बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दी है, बहुत तेजी से इसने अपने प्रॉफिट बढ़ाए हैं, असेट्स क्वालिटी भी जो है अच्छी थी इसकी पास्ट में, लेकिन उन सब पैरामीटर्स के बावजूद भी इस शेयर्स के अंदर करेक्शन जारी है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी कि हो सकता है कि अगर ये एनवायरमेंट इसी तरीके का चलेगा तो एक और जो पेन है वो हो सकता है अभी 1500-1600 रुपए जो है वहां तक के जो प्राइजेस भी हैं वहां पर भी ये जाके एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और जो बाकी टेक्निकल्स एनालिसिस जो है उन पैरामीटर्स को देखेंगे तो वहां पर भी जो सारे सेंटिमेंट्स हैं एक्सेप्ट की जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो भी जो है पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहा है, लेकिन बाकी जो शॉर्ट टर्म जो चार्ट्स हैं वहां पर जो है एक नेगेटिव आउटकम जो है टेक्निकल्स पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।